एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट 14। दोस्तों 1 to 13 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 14 है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। लोहा अयस्क केंद्रमुख में मिलता है, तांबा खेतरी में और कोयला सिंगरेनी में मिलता है। कैरापुट मैग्नीज से संबंधित नहीं है बल्कि ये बॉक्साइट से संबंधित है, यानी कि कोरापुट बॉक्साइट होगा यहाँ पे। मैच कराना है। तांबा खेतरी में, गैस प्लांट औरैया में, एल्यूमिनियम कोरबा में और पेट्रोलियम कोची में। ग्रेनाइट पट्टिया तथा स्लेट पाए जाते हैं ललितपुर में। भारत में हीरे की खाने कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए जाते हैं? रायपुर में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है इसमें एडलूसाइट पाई जाती है, फिर पायराइट पाया जाता है, फिर डोलोमाइट पाया जाता है। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में कौन से पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं इल्मेनाइट पाया जाता है, जिरकॉन पाया जाता है और सिल्मेनाइट पाया जाता है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल बहुतायत से मिलता है? मोनोजाइट मिलता है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केरल में मोनोजाइट बलुका में यूरेनियम होता है। मोनोजाइट बलुका में यूरेनियम होता है। मैच कराना है। दोमाईसान है मेघालय में, लंबापुर है आंध्र प्रदेश में, रोहेल राजस्थान में है और गोगी कर्नाटक में है। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? ये मिलते हैं बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टीन। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट बस्तर, कांकेर, जसपुर, करवधा, कोरबा, रायगढ़, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है टीन दांतेवाड़ा में पाया जाता है और बस्तर में पाया जाता है। लौह अयस्क भी दांतेवाड़ा में, बैलाडीला में और बस्तर में पाया जाता है। डोलोमाइट बस्तर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, जांजगीर में और रायपुर में। मैच कराना है। पलामू में अब्रक मिलता है, हजारीबाग में बॉक्साइड मिलता है, खेतरी में तांबा मिलता है और क्योंझर में मैग्नीज मिलता है। छोटानागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। मैच कराना है। खनिज और स्थान दिया हुआ है। कोयला गिरिडीह में मिलता है, तांबा अलवर में मिलता है, मैग्नीज धारवाड़ में मिलता है और भूरा कोरा लिग्नाइट जयनकोडा में मिलता है। मैच कराना है। गुरुम हिसानी लौह अयस्क मिलता है गुरुम हिसानी में, तलचर में कोयला मिलता है, जादूगुड़ा में यूरेनियम मिलता है और जावर में सीसा मिलता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7% तथा सांभर झील में नमक उत्पादन का हिस्सा 0.78 है। राजस्थान देश में नमक साल्ट का उत्पादन राजस्थान में 8.7% है
और सांभर झील के नमक उत्पादन का हिस्सा 0.78% है। कौन सा सुमेलित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है, देख लेते हैं। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है और रामगंगा बहुदेशीय परियोजना है। मैच कराना है। उकाई परियोजना, उकाई उकाई डैम है गुजरात में, पतरातू झारखंड में है, पेंच मध्य प्रदेश में है और डाभोल महाराष्ट्र में है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, उष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम है, तापीय फिर जलीय फिर वायु पवन फिर आण्विक। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, फरक्का में है। मानचित्र दिए हुए मानचित्र में तीन स्थलों थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हैं। जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर नहीं है वह है, इसमें से जो ये है ये थर्मल पावर स्टेशन कोई सा नहीं है, बाकी की यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह थर्मल पावर स्टेशन है। उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में है, श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, कोरबा ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में है और ओबरा ताप परियोजना उत्तर प्रदेश में है। निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे होता है, तृतीय कोयला से। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापना की गई थी, रूस की सहायता से। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1971 में स्थापित किया गया था। मैच कराना है। कोठागुडम आंध्र प्रदेश में है, रायचूर कर्नाटक में है, मेटूर तमिलनाडु में है और वनकबोरी गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही है उसको देख लेते हैं। बदरपुर दिल्ली में है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, उत्तरान उतारन गुजरात में है। मैच कराना है, देख लेते हैं इसको। स्थापित तापीय शक्ति क्षमता का स्थान महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात में है द्वितीय, उत्तर प्रदेश में है तृतीय और पश्चिम पश्चिम बंगाल में है चतुर्थ। हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लैड फैक्टर परिवर्तित होता रहा है, 70 से 75% के बीच। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही है उसको देख लेते हैं। जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात में एस्सार पावर है। नबीनगर में बिजली संयंत्र बिहार में भारतीय रेलवे का है और कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तारापुर में हुई थी। 6-7 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था, 3% से कम था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें काकरापारा 1984। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा सही है। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, ये सही है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, ये गलत है। मैच कराना है। परमाणु विद्युत संयंत्र को राज्य से थाल परमाणु
है, थाल है महाराष्ट्र में है, मानगुरु है, मानगुरु आंध्र प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है और कैगा कर्नाटका में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है और मुप्पांदल तमिलनाडु में है। एन्नोर तमिलनाडु में है, ना कि मेघालय में। दिए गए चित्र में दक्षिण भारत का एक भाग दिखाया गया है, जो 1000 मेगावाट विद्युत शक्ति संयंत्र के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल मानचित्र में चिन्हित किया गया है। ये चिन्हित किया गया है, प्रस्तावित स्थल है इसमें से यहाँ पे बी। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? 6। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, रावत भाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कैगा कर्नाटका। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है? कल्पकम में नहीं है। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यूएसए की सहायता से। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? कोयना में है। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है, कोटा में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए है। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको देख लेते हैं। गत वर्ष में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमय प्रवृत्ति लक्षित हुई है, ये सही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में ऊर्जा उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है, ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंभात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भावनगर में है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के यानी कि टिडल एनर्जी के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। अर्थात गुजरात के तटीय क्षेत्र स्पष्ट है कि भावनगर गुजरात में स्थित है, जहाँ ज्वारीय ऊर्जा सर्वाधिक संभावना। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? एनएचपीसी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन प्रथम स्थान है? गुजरात में है। भारत के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी 243 किग्रा तेल के बराबर। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है?
कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। चारों सही हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही है उसको देख लेते हैं। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, और तप्त पानी उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस है। इनमें से नवीकृत संसाधन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब नवीकृत है। जल की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। दोनों सही है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम एवं निकल। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे का और क्रोमियम का। धब्बा रहित स्टील बनाने में लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? कोकारी, कोकिंग कोयला। देश में कोकारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है VSL भद्रावती को, बाकी की टिस्को, HSL, HSL भिलाई दुर्गापुर दोनों को है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? ये टाटा नगर के नज़दीक स्थित है टिस्को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको देख लेते हैं एक बार। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंग रोधी इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानुसंगी है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। ये तीनों सही हैं, बाकी के ये गलत है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? रूस का। यह 1959 में इसे उत्पादन प्रारंभ हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? लौह एवं इस्पात। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही है उसको देख लेते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, और राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, क्योंझर से होती है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, तीनों। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। औलोली महाराष्ट्र में,
मणिकरण उष्ण स्रोत ये हिमाचल प्रदेश में है और सोहना उष्ण स्रोत हरियाणा में है। ये लसुंधरा गर्म जल स्रोत है जो कि गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। गुजरात। भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? भद्रावती। पतरातू ताप विद्युत केंद्र है, झाकरी जल विद्युत केंद्र है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत केंद्र है और कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।